So hey guys, welcome back to my channel. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a gem. So mera naam hai Ajay. Kaise ho aap bro? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे ही कर रहे हो अपने घर पे। इस समय जितना घर पर उतना अच्छा है। सो बेसिकली OnePlus ने कुछ दिन पहले अपनी टीवीज लॉन्च कर दी थी U1 सीरीज और Y1 सीरीज। U1 में सिर्फ एक साइज था 55 इंच, Y1 में दो साइज थे 43 और 32। और 32 साइज काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव प्राइस के साथ आता है हमेशा। आप जितनी भी टीवी देखेंगे और ब्रांड्स की, सो देखते हैं उसके अंदर क्या निकलता है। कोई कॉम्पिटिशन है उसका नहीं है। सो उसको कम्पीट करेंगे हम रियलमी टीवी के साथ जो 32 इंच की हाल ही में लॉन्च हुई कुछ दिन पहले। दोनों के स्पेक्स काफी ज्यादा सिमिलर से है कई मामलों में। तो देखो बेसिकली जब भी हम कुछ सामान लेने जाते हैं किसी भी स्टोर में या कहीं पे भी या ऑनलाइन पे आप जाओगे तो पहली कंडीशन ये होती है हमारा प्राइस रेंज ये होना चाहिए, इसके अंदर कुछ मिलेगा तो लेंगे, प्राइस से बाहर चलिए तो फिर फायदा नहीं सोचने का। तो पहले हम प्राइस चेक करते हैं कि क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। सो इनका प्राइस है 12999 दोनों का ही, OnePlus Y1 32 इंच, Realme TV 32 इंच। इन दोनों को कम्पीट करेंगे, देखेंगे दोनों में क्या मिलता है, कौन सा टीवी ऑन पेपर अच्छा है कौन सा नहीं है। स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले के साथ। तो जैसे कि नाम से समझ आ रहा है दोनों का स्क्रीन साइज 32 इंच ही है, पर है ना कुछ चीजें डिफरेंट है। जैसे क्या, OnePlus देता है आपको गामा इंजन। गामा इंजन में क्या करेगा मैंने अपनी पुरानी वीडियो बताया, आपको नहीं पता तो आप ऊपर कार्ड और आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो का रिव्यू। गामा इंजन आपकी काफी सारी चीजों को जो आप वीडियो देखते हैं कलरिंग वगैरह वगैरह चीजों को बूस्ट कर देता है, काफी अच्छा दिखाता है। ऐसे रियलमी ने अपने टीवी में दे रखा है पिक्चर इंजन, वो भी नियरली एक जैसे ही काम करते हैं दोनों के दोनों। अच्छा रियलमी में एक चीज और मिलती है क्रोमा बूस्ट, कलर्स को निखारने के लिए कलर को बूस्ट करता है वो। रियलमी कैमरास के अंदर आप कोई चलाता है तो उसने देखा होगा कि क्रोमा बूस्ट का एक ऑप्शन मिलता है, आप जैसे वो करेंगे आपके कलर अलग दिखेंगे, बिल्कुल ज्यादा निखर के आएंगे कलर। सेम चीज है इसके अंदर भी क्रोमा बूस्ट मिलता है। यहीं पे अगर OnePlus की बात करें तो वो देता है आपको DCI-P3 कलर गैमेट। इसमें भी क्या होता है आपके कलर्स ज्यादा अच्छे दिखते हैं। दोनों की टेक्नोलॉजी अलग है बट काम नियरली जैसे ही है वो अलग बात है। DCI-P3 क्रोमा बूस्ट से काफी ज्यादा बूस्ट कर देगा आपके कलर्स को, काफी ज्यादा ब्राइट दिखाएगा, तो दोनों में फर्क पड़ेगा। यहाँ पे देखा जाए तो DCI-P3 कलर गैमेट ज्यादा बढ़िया चीज है। OnePlus से मिलता है आपको 91.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। Realme ने अपनी साइट में कहीं पे भी लिखा नहीं भाई कितना है तो मैं बता नहीं पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। Realme देता है आपको 400 nits तक की ब्राइटनेस, काफी ज्यादा होती है ब्राइटनेस किसी टीवी के लिए। और सेम है OnePlus ने अपनी साइट में कहीं नहीं बता रखा वो कितना देता है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। OnePlus में मिलता है आपको HDR10, HDR10+, HLG, मैंने पहले बताया था ये तीन चीजें मिलती है, बट Realme देता है आपको सिर्फ HDR10 और HLG, HDR10+ Realme में नहीं मिलता। तो एक चीज अभी कम हो गई है यहाँ पे, ध्यान रखना इस चीज का, बर्थडे निकालते टाइम ये चीजें काम आती हैं। अगर डिस्प्ले को ओवरऑल देखा जाए तो आपके डिस्प्ले OnePlus की काफी ज्यादा अच्छी निकल के आ रही है। क्यों, इसमें बूस्ट वगैरह नहीं किया गया, अलग से कलर गैमेट यूज किया गया है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी ज्यादा अच्छा है, HDR10+ एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है आपको इसके अंदर। तो चीजें देखा जाए तो ओवरऑल बढ़िया भी और ज्यादा भी डिस्प्ले के अंदर आपको OnePlus में ज्यादा मिलती हैं। सो अब बात कर लेते आगे चीजों की। इसमें प्रोसेसर, अब ऑब्वियसली बात है स्मार्ट टीवी है तो सबको पता होगा इसमें प्रोसेसर मिलेगा। OnePlus देता है आपको MediaTek का 64-bit का प्रोसेसर, कौन सा है ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है। Realme देता है आपको MediaTek का ही MSD 6683, ये भी एक 64-bit प्रोसेसर है, बट मेरे ख्याल से अगर ये पता होता कौन सा प्रोसेसर तो मैं बता पाता कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं। बाकी OnePlus है तो कोई बेकार प्रोसेसर तो नहीं देगी, ऑब्वियसली बात है। GPU OnePlus वालों ने नहीं बताया कौन सा मिलता है। Realme मिलता है आपको GPU Mali-S 470, ये काफ़ी बढ़िया GPU टीवी के हिसाब से काफ़ी ठीक है ये GPU, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। अब बात कर लेते हैं रैम और स्टोरेज की। देखो स्मार्ट टीवी है, रैम भी होगी स्टोरेज भी होगी, तो आपको मिलती है OnePlus और दोनों में ही Realme में 1GB ऑफ रैम एंड 8GB ऑफ स्टोरेज। कौन सी रैम है कौन सी स्टोरेज है डिस्क्लोज नहीं किया जाता टीवी के अंदर नॉर्मली, पर इसमें भी नहीं पता मुझे। नेक्स्ट आ जाता है ऑडियो पे। देखो ऑडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी टीवी के लिए। अगर आपको, मैंने पहले बोल चुका हूँ, अगर आपको दिख अच्छा रहा है सुनाई नहीं दे रहा कुछ तो क्या फ़ायदा। सो OnePlus देता है आपको 20 watts के स्पीकर, Realme देता है 24 watts के स्पीकर। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं Realme की आवाज़ ज़्यादा अच्छी निकल के आने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा ही फर्क देखेगा बट फर्क है, चाहे हल्का सा क्यों ना हम कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं तो फर्क पड़ेगा। देखा जाए तो फिलहाल के लिए तो Realme की आवाज़ ज़्यादा बढ़िया है।
ऑडियो के मामले में रियलमी आगे निकल जाता है। बाकी आप पे डिपेंड करता है वो कौन सी आवाज़ पसंद आ रही है ज़्यादा क्रिस्पी या कैसी। बाकी अब बात कर लेते कुछ पोर्ट्स की, तो पोर्ट्स में मिलता है आपको रियलमी के अंदर 3 HDMI, 2 USB, 1 ईथरनेट, 1 AV। ऐसे ही OnePlus देता है आपको 2 HDMI, 2 USB, 1 ईथरनेट और 1 AV। तो यहाँ पर देखेंगे रियलमी के अंदर आपको एक पोर्ट एक्स्ट्रा मिलता है, तो HDMI पोर्ट में जिसको इंटरेस्ट होगी, जिसको ज़्यादा चाहिए उसके लिए रियलमी बेटर ऑप्शन है। बाकी आप देख सकते हैं वो क्या चाहिए, पोर्ट्स आप पर डिपेंड करते हैं। तो ये थे इसके सारे स्पेक्स, सारे कंपेयर कर हमने एक ही चीज़ को देखा कि इसमें क्या अच्छा है। डिस्प्ले के मामले में अगर जाएंगे तो मेरे हिसाब से OnePlus बेटर है। ऑडियो के मामले में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं पे रियलमी हल्का सा आगे निकल जाता है, ये यूं कहूँ कि बराबर से। पोर्ट्स में देखेंगे आपको रियलमी में एक एक्स्ट्रा पोर्ट मिलता है। बाकी रैम और स्टोरेज सेम है, प्रोसेसर भी नियरली सेम से ही है। OnePlus ने डिस्क्लोज नहीं किया तो ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। सो काफ़ी चीज़ें एक जैसी सी ही हैं। सो अगर मुझे ओवरऑल कहना पड़े तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे रियलमी शायद बेटर नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आउटपुट ज़्यादा है और एक पोर्ट ज़्यादा है। बाकी डिस्प्ले भी बेकार नहीं है, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए जैसे OnePlus देता है आपको भी, OnePlus कनेक्ट हो गया, शेयर्ड एल्बम हो गया, या और भी कई फीचर्स देता है वो अलग से आपकी स्पेशल OnePlus के लिए, तो आप OnePlus पर जा सकते हैं। रियलमी में आपको ऐसे कुछ खास फीचर्स तो नहीं मिलते। बाकी TV दोनों बढ़िया है, आपको देखना वो क्या चाहिए। डिस्प्ले बेटर चाहिए तो OnePlus के लिए जाएंगे, ऑडियो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी चाहिए कम प्राइस पे तो आप रियलमी के लिए जा सकते हैं। पोर्ट्स में अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो रियलमी के लिए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं OnePlus के साथ जाऊँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक्स्ट्रा फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सपोर्ट्स बहुत सारी चीज़ों को मिलते हैं, ऑडियो से लेकर वीडियो में हर जितनी चीज़ें हो सकती है सबको मैक्स किया गया है प्राइस रेंज के हिसाब से। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आया है, तो बाकी आप पर डिपेंड करता है वो क्या चाहिए। अगर आप वीडियो देखते रहते यहाँ तक आइए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।